रेंजर समेत तीन को घायल किया है। वन विभाग और पुलिस फोर्स के साथ मौजूद तेंदुआ को पकड़ने की सभी कोशिशें फिलहाल नाकाम है। रुपई डीहा इलाके के बाबागंज का ये मामला है, जहां पर तेंदुए की वजह से ग्रामीण दहशत में है। हालांकि आपको बता दें कि वन विभाग और पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है, इस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वन विभाग इसमें नाकाम है और ग्रामीण बहुत परेशान है, दहशत में है। मोनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनीश, अभी इस तेंदुए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी? राहुल, बता देना चाहूंगा कि लगभग 4 घंटे से गांव में ये तेंदुआ आतंक का पर्याय बना हुआ है। अब तक के 10 लोगों को इसने घायल कर लिया है, रेंजर भी इसके हमले से घायल हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल अभी इसको पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस फोर्स और वन विभाग की टीमें मौके पर मौजूद है। तेंदुए के गाँव में छुपे होने का पूरा अनुमान है, क्योंकि वो बार बार निकल कर लोगों पर हमला कर रहा है। हालांकि उसको पकड़ने की सारी कोशिशें की जा रही है, लेकिन जो जिले लेवल की जो टीम है वन विभाग की, वो अभी तक के नहीं पहुंची है। जाल जिससे लगाया जा सके और उसको पकड़ा जा सके। एक बात और बताना चाहूंगा राहुल, इस तरह के मामले में तेंदुए को बेहोश किया जाता है, जिसकी वजह से उसको पकड़ा जाता है। अभी वो टीम नहीं पहुंची है जिससे तेंदुए को बेहोश करके पकड़ा जा सके। जी बहुत शुक्रिया मोनीश अजीज इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर आगरा से है। SDM पेशकार का पैसे लेते वीडियो।